दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश लिपिक वेतन संघ के बारे में। देखिएगा, मध्य प्रदेश लिपिक वेतन संघ सिर्फ 4-6 हज़ार रुपये के लिए फाइट नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, या फिर मैं इतने पुराने से अगर मांग रखता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ कि लिपिक वेतन संघ दूर होनी चाहिए, तो सिर्फ 4-6 हज़ार के लिए नहीं। 4-6 हज़ार इंसान चुटकियों में कमाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईमानदारी से कमा लेता है वो 4-6 हज़ार, लेकिन बात रहती है सम्मान की। जब आपका ग्रेड पे इक्विवेलेंट टू एक प्यून रहता है और आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। आज मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट्स में अब भर्ती प्रक्रिया व्यापम का एग्जामिनेशन इवन MPSI का भी होता है एंड कुछ इधर उधर से भर्तियां होती हैं, तो मतलब व्यापम के द्वारा ही ले जाने वाली बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ होती हैं जिसमें एक क्लरिकल स्टाफ से कम योग्य, कम क्वालिफिकेशन वाले जो पद रहते हैं उनका वेतनमान उनका ग्रेड पे ज़्यादा रहता है। मध्य प्रदेश के क्लरिकल स्टाफ, आप एक पद बता दीजिए जो 10वीं बेस पे भर्ती होता हो और उसका 1900 ग्रेड पे से कम हो। मध्य प्रदेश का है, 10वीं पास जितने भी आप वन रक्षक, आरक्षक, जितने भी आप और भर्तियां देखेंगे, इवन जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, उन सब का ग्रेड पे आज 1900 से ज़्यादा है, या फिर अगर नहीं भी है, 1900 ग्रेड पे ही है, तो उनको इतने सारे पक्ष मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं कि क्लरिकल स्टाफ से ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश का क्लरिकल स्टाफ कंप्यूटर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर मध्य प्रदेश में है ना, डेटा एंट्री मतलब डेटा फीड करना, और मैं ये जानता हूँ क्या होता है डेटा एंट्री, तो उनका ग्रेड पे 2400 है। आज मध्य प्रदेश का क्लरिकल स्टाफ को भी प्रोजेक्ट आता है, तरह तरह के आप देखते हैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उन सभी का काम एक क्लरिकल स्टाफ सहायक ग्रेड 3 करता है, मैं करता हूँ। तो मतलब तरह तरह के आप काम करा लो, ऊपर से जो हमें सम्मान मिले या फिर जो हमें प्रदर्शित करने का कोशिश किया जाए, तो लाइक ए प्यून किया जाए, इक्विवेलेंट टू ए प्यून। और क्योंकि पुरानी जो प्रथा चली आ रही थी कि एक प्यून चपरासी, बाबू चपरासी, तो क्या हम उसी के लिए हैं? तो आज मध्य प्रदेश का क्लरिकल स्टाफ जिसकी आप क्वालिफिकेशन अधिक लेते हो, उच्च लेते हो, वो इससे खफा है, विरोध करता है। ये बात दूसरी कि इंसान तैयारी करता है, तैयारी करना जानता है और करेगा, बाहर निकलेगा, लेकिन अगर कोल्हू की बैल की तरह काम कराया जाएगा और वो काम से मना नहीं कर सकता, मतलब एक बंधुआ मजदूर होता है ना कि मार पीट के कैसे भी करके क्लरिकल स्टाफ ही काम करेगा, और क्लरिकल के पास कोई योग्यता नहीं है, मतलब कोई पावर नहीं, कोई राइट नहीं है। मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें क्लरिकल स्टाफ, चाहे वो साइड ग्रेड 2 बन जाए, 1 बन जाए, वो नकारा पोस्ट रहती है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार इन सभी बातों को ध्यान देते हुए क्लरिकल स्टाफ का कम से कम 2800 ग्रेड पे लिस्ट करें।